पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है, मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। विपक्ष से कहना चाहते हैं कि वो विरोध ना करें, इस भी जब गृह प्रवेश होता है तो उस पर बधाई दी जाती है, ये तो अपने देश की संसद है। अच्छा जी, पार्लियामेंट को लेकर कई राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इसको? देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पर करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट के मामले को लेकर, और कांग्रेस भी इसका समर्थन दे रही है। नहीं नहीं, क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है, इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओबीसी के रास्ते पर ना चलें।